بسم الله الرحمن الرحيم سبا بنت کریم آپ کو تارق التیمور آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے آپ کو قبول ہے آپ کو قبول ہے ہاں تو دو بار بول تو دیا اور کتنی بار بولوں قبول ہے قبول ہے قبول ہے अब नहीं बोलूंगी मैं انسان کی زندگی میں اولاد سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کئی سال بیت گئے تمہاری شادی کو اب تک تمہارے چار پانچ بچے ہو جانے چاہیے تھے تمہارے بچے ہوتے تو نغمہ کی یہ حالت نہ ہوتی تمہاری اولاد سے اپنا جی بہلاتی لیکن اب دن رات ازمیر اور اس کے بچے کو یاد کرتی ہے اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے بیٹا عجیب بات ہے ابا جی کل تک آپ خود یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ڈاکٹرز الٹی سیدھی بیماریاں بتا کر صرف پیسے ہینٹتے ہیں آپ کو ان پر بھروسہ ہی نہیں تھا اور آج آپ پھر یہ چلو بس کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اپنے یقین سے قطرا کر امید کی ایک چھوٹی سی کرن کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے بیٹا مجھے اپنے خاندان کا وارث چاہیے बाजी का तो लगता है टेंशन से दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है कि अब्बा जी के बारे में किस लहजे में बात कर रही हो तुम तो और क्या करूं पहले तो इन डॉक्टरों वॉक्टरों को घास नहीं डालते थे अब इन्हीं डॉक्टरों के पास जाने का कह रहे हैं हाँ तो इसमें मसला क्या है डॉक्टर के पास जाने का कह रहे हैं चेकअप हो जाएगा डॉक्टर है डिग्री है उसके पास अब्बा जी पहले पीर साहब के पास जाते थे इतने पहुंचे हुए पीर हैं हर मसले का हल है उनके पास पीर साहब ने अब्बा जी को बोला कि उनको डॉक्टर के पास भेजो डॉक्टर क्या कर लेंगे वो भी हमारी तरह इंसान है कोई पीर फकीर थोड़े ही है एक बात साफ साफ कह दूं मैं नहीं जा रही इन डॉक्टरों वॉक्टरों के पास मुझे कोई एतबार नहीं है लेकिन मुझे है
अच्छा, कब से? जोया पे तो किसी ने एतबार नहीं किया, वो भी तो डॉक्टर ही थी ना। बेचारी कह कह के मर गई कि अजमीर का बच्चा है, अजमीर का बच्चा है। उस वक्त तो किसी ने ना सुनी। बात खत्म। देखो नैला, मैं तुमसे किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता। कल मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है और तुम मेरे साथ चलो, बस जाओ काम। सबा, क्या बात है? मुझे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? हाँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है, तुम्हारी शादी को घरों में थोड़ी ना हो रही है। शारिक भाई तो तुम्हारे अपने हैं ना। मामा, मामा। चुप। क्या मामा? अब तो आंटी का पीछा छोड़ दो, अब तो तुम्हारे होंठों पे सिर्फ शारिक भाई का नाम होना चाहिए। चुप करो तुम। मामा, मामा, मामा। क्या हुआ? मामा देखे नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है? क्यों मेरी बेटी को तंग कर रही हो बेटा? आंटी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अच्छा बेटा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ प्राइवेसी में बात करनी है। जी आंटी। मम्मा, मम्मा यार ये क्या बनाया है मुझे, कितनी उलझन हो रही है, मुझे खुजली हो रही है इससे। ये तो प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मेरा दिल घबरा रहा है ना, मैं इसको चेंज करके आ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूल्हा के आने तक दुल्हन कपड़े नहीं चेंज करती है। ये तो खूबसूरत लग रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे उलझन हो रही है। बेटा तुमने अपनी मेडिसिन ली थी? मैंने तुम्हें कहा भी था सबा के वक्त पे अपनी मेडिसिन ले लेना। अच्छा मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाती हूँ, पर मुझे तुमसे एक और बड़ी जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है शारिक से, अब तुम उसे शेरी भाई नहीं बोलोगी, सिर्फ शारिक बोला करो। सिर्फ शारिक? हाँ, अब वो तुम्हारा भाई नहीं है। लेकिन क्यों? बेटा वो तुम्हारा शौहर है, भाई नहीं है, समझी? नहीं नहीं, मैं शेरी भाई ही कहूंगी। कोई बात हुई शारिक? नहीं नहीं, तब बुरा लग रहा है। सबा, अच्छा मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ। ये कोई बात हुई भला? शारिक, शेरी भाई, मैं शेरी भाई बोलूंगी, मैं नहीं बोल रही। कहीं तो कहाँ फंसाती है मुझे। एक कागज पे साइन करने से क्या हो जाता है, रिश्ते का नाम बदल देने से फीलिंग्स नहीं बदल जाती। जिंदगी ऐसी ही तब्दीलियों का नाम है शारिक। मैं खुद से शर्मिंदा हूँ जोया, सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं है। सबा मेरे लिए, जो बात हमने कभी सोची भी नहीं होती ना, जब वो हकीकत बनकर हमारे सामने आती है तो लगता है कि हम अगला सांस भी नहीं ले सकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का आदि बना देता है। आपको भी इस नए रिश्ते के साथ जीना आ जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे सोया? मेरी मेरी सभा के लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो तुम्हारे लिए है। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है शारिक। कैसे हो सकता है कि कोई जल के राख हो जाए और दूसरे को खबर तक ना हो? मुझे सच सच बताओ सोया, क्या तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, एक पल के लिए भी नहीं? जवाब तो मुझे सोया, प्लीज। नहीं, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा, एक पल के लिए भी नहीं। Thank you.
तुमसे ना मिला होता जोया, लेकिन अगर तुमसे ना मिलता तो मर जाता। काश मैं मर ही क्या होता। मामा, 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 सबा, मामा, सबा, दूर है। खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। गंदे हैं आप, मारते हैं मुझे। मैं सबको जाके बताऊंगी कि आपने मारा है मुझे। मामा को भी बताऊंगी मैं। मामा, दूर है ना? सबा, मेरे बताना मेरे। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा को बुलाएं।